तो दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट में तो स्टेटस वीडियो देख लिया। अब उस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस होगा। तो आपको नीचे यहाँ प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको मेरा सॉन्ग बीट मार्क और इफेक्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पर आपको मेरा दो प्रोजेक्ट दिख रहा होगा, एक सॉन्ग बीट और इफेक्ट प्रोजेक्ट। तो ये दो प्रोजेक्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप दोनों को अपने एलाइट मोशन ऐप में एक एक करके इंपोर्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको इंपोर्ट करना नहीं आता है तो इंपोर्ट कैसे करते हैं वो वाला वीडियो का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देख करके इंपोर्ट कर लीजिएगा। इंपोर्ट कर लेने के बाद ये जो सॉन्ग बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट है इसको फर्स्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए इधर थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारा लेयर यहाँ से दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, मैं तो आपको फर्स्ट फोल्ड दिखा दे रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखाई देगा, मैं लास्ट तक दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरह का दिखा देगा। तो आपको करना है यहाँ पे छिड़कानी करना नहीं है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपको आ जाना है यहाँ पे, देखिए जहाँ पे आपका लिरिक्स स्टार्ट होता है यहाँ से, देखिए यहाँ से लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 0:23 से यहाँ पे आ जाना। देखिए यहाँ पे लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले बीट पर और ग्रीन कलर का प्लस का कोने, इस पर क्लिक करेंगे। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोने में एक एरो है, इस एरो पर क्लिक करके हम अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, जिस फोल्डर में हमारा इमेज है उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। देन सिलेक्ट कर लेने के बाद उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे जिस पर हम लोग को स्टेटस वीडियो बनाना है, उस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद अब फोटो को क्लिक करके रखेंगे और वीडियो को लास्ट में आएंगे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को लास्ट तक करेंगे। लास्ट तक करने के बाद ऊपर देखिए कोने में थ्री डॉट बिंदु दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ फिल कंपोजिशन एरिया वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फोटो फुल स्क्रीन हो जाएगा। और अगर आपको फोटो ठीक से सेट नहीं हो रहेगा तो यहाँ मूवमेंट ट्रांसफॉर्म वाला एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फोटो को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर देने के बाद स्क्रीन पर एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से हम लोग जो है बैक हो जाएंगे। बैक हो जाने के बाद इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग को एक लेयर दिख रहा होगा, तो इस लेयर पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बैक हो जाएंगे। बैक हो जाने के बाद बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लेंगे और ओपन कर लेने के बाद इधर आ जाएंगे जहाँ से हमारा फोटो एड है, जो अभी हमने फोटो एड किया था उस फोटो पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा फोटो पर इफेक्ट पेस्ट हो जाएगा। अब पेस्ट हो जाने के बाद स्क्रीन पर एक बार क्लिक करेंगे और ये जो हमने फोटो एड किया, इस फोटो के साइड में देखिए थ्री लकी दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करके रखेंगे और ये फोटो को पूरा नीचे लेकर आ जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से नीचे लेकर आ जाएंगे। तो नीचे लेकर आने के बाद देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पर हमारा स्टेटस रेडी हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे इफेक्ट हमारा लग जाएगा और स्टेटस भी रेडी हो जाएगा। तो अब इसको गैलरी में सेव करना है। गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर कोने में एक एरो है, उस पर क्लिक करेंगे। वीडियो लिखा हुआ साइड में एरो, उस पर क्लिक करके एक्सपोर्टेशन में हम लोग का जितना फोन का क्वालिटी सपोर्ट करता है उतना सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लो रहता है तो इसको फुल कर देंगे और ये क्वालिटी लाइन को भी हाई करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। हमारा वीडियो गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए हो भी गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और एडिटिंग में कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।